जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जय माता दी गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। और दिल्ली में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप अपना ध्यान रख रहे होगे। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है और बिल्कुल भी सुबह काम करने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है बस कंबल में घुसे रहो और कोई चाय बना के दे दे। लेकिन जब हम सिंगल होते हैं ना, कोई मेड नहीं होती है काम करने वाली, तो खुद को ही करना होता है। तो लगता है नहीं, चलो उठ जाते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि बाद में भी हमें ही करना है। इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करती रहती हूँ और ऐसे ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है आज आलू पालक, और ये है दिन 4 तारीख का। तो 4 तारीख को मैं बना रही हूँ आलू पालक। मॉर्निंग का टाइम है लंच में, और ब्रेकफास्ट में बनना है मूली के पराठे। तो आलू पालक को मैंने कुछ नहीं डाला उसमें, उसमें डायरेक्ट डाला है मैंने जीरा, थोड़ा सा मैंने डाला है प्याज कटा हुआ, एंड उसके बाद डाला है सारे बेसिक मसाले और डाल दिया टमाटर। और उसको अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने डाल दिया आलू पालक और ढक दिया है। ढकने के बाद जैसे ही थोड़ा सा पालक ने पानी छोड़ दिया, तो बस उसमें डाल उसको चला लेना है, क्योंकि डायरेक्ट हम चलाएंगे तो थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा पालक का, और ऐसे बनाओगे तो कोई कड़वापन नहीं आएगा। और यहाँ मूली के पराठे बना रही हूँ साथ में, तो बन चुका है, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। एंड उसके बाद इधर बना रही हूँ मैं घी। तो यहाँ पे मैं मलाई डायरेक्ट डाल देती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि तो मैं मलाई बना रही थी और रियांश भी साथ में आ गया था। और सन्डे न्यू ईयर वाले दिन हस्बैंड ने मेरे लिए सूट बनाया था, तो वही रियांश ने देख लिया था। तो रियांश बस मेरा नाप ले रहा है, मतलब वो खेल रहा है, बट वही जो बच्चा देख लेता है ना, वही बच्चा सीखता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें ही करें, ताकि बच्चे भी अच्छी अच्छी चीज़ें ही सीखें। और हम सिंगल पेरेंट्स हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी बातें या फिर जो बच्चे सीख जाए। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैं चला रही हूँ ताकि लगे नहीं कढ़ाई में, और बस घी बनने ही वाला है। घी बन के रेडी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। और दिल्ली में सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप अपना ध्यान रख रहे होगे। अभी जो है सर्दी, आज 4 दिसंबर है, तो आज 7 डिग्री है, तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है। तो प्लीज़ आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, और थोड़ा सा काढ़ा वाढ़ा भी पीजिए। और आज मैं फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। एक है 4-5वें महीने में लगी है, और एक है 3 साल का। तो उसके साथ मेरा फुल डे रूटीन कैसा जाता है वो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट। तो देख सकते हो घी ठंडा भी हो चुका है, तो बस अब इसको छान लूंगी। एंड उसके बाद जो ये बचा हुआ है, इसमें थोड़ा सा चीनी मिला के मैं और रियांश खा लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हम रियांश को खिला रही थी, और काफ़ी टेस्टी लगता है ये खाने में, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बता नहीं सकती इतना टेस्टी लगता है। एंड उसके बाद यहाँ मीशू भी उठ गई थी, तो बस मीशू को ले लिया है, ले रही हूँ मैं। और यही होता है जब दो बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा सोता है, दूसरा उठता है, दूसरा सोता है, पहला उठता है। तो ठीक है, बस थोड़ा टाइम ही लगता है, बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। अभी भी हमें पता नहीं, समझ में ही नहीं आता कि रियांश इतना बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया, 4थे साल में लगा है, और हमारा दूसरा बच्चा भी आ गया मीशू, जो कि मुझे बेटी चाहिए था, भगवान ने मुझे बेटी दे दिया। तो ये इवनिंग का टाइम है, बस यहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग के मूली के पराठे रह गए थे वो खा रही हूँ, और चाय बना लिया था, तो वही पीऊँगी। और रियांश को भी यही खिला रही हूँ। तो यहाँ पे डाइट ले रखा है थोड़ा सा, रियांश को मैंने डाइट दे दिया, थोड़ा सा मैं खा रही हूँ। और यही ना, ये हमारा इवनिंग स्नैक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोनों बच्चों को संभालना, घर को संभालना, खुद को टाइम ही नहीं दे पाती। आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे बने हुए, मतलब 2-3 दिन हो जाते हैं बालों में कंघी करे हुए, और अभी तो तेल लगा रखा है, लेकिन अभी भी कंघी नहीं करा है, 3 दिन हो चुके हैं।
तो सोच रही हूँ कल मैं सर धो लूँगी, क्योंकि वीरवार वाले दिन मैं सर नहीं धोती, तो वही थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि लगे लगे ना मन करता थोड़ी देर रेस्ट करो, और सर्दी इतनी है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। और रियांश के साथ भी थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है, क्योंकि वो अकेला है तो उसको थोड़ा सा फील होता है, और यहाँ पे ये मुझे ढीस ढीस कर रहा था, तो मैं उसको ढीस मतलब थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है, उसको भी थोड़ा सा ऐसा फील ना हो कि मतलब मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, या मेरे से बात करना है। उसे अपनी छोटी बहन से भी, बहन के साथ भी खेलना और बात करना अच्छा लगता है, और अपनी छोटी बहन से प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है, वो मुझसे भी प्यार कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, मतलब मेरे आंसू पोंछ रहा है, अगर मम्मा चुप चुप और पुच्चियाँ दे रहा है। तो हाँ ठीक है, हस्बैंड के जाने के बाद हम तीनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय मतलब ठीक इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, और कोशिश करते हैं हम तीनों माँ बेटे ही खुश रहें। और हमें मुझे मेरे ससुराल वालों से कोई उम्मीद तो नहीं है, और ना मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि वो आए हमारे पास या फिर रहें, क्योंकि ना ही उन्होंने कभी पूछा और ना मुझे उनकी ज़रूरत है। तो बस ऐसे ही चल रही है लाइफ, और होप से कि भगवान मुझे शक्ति दे थोड़ी सी कि मन में बच्चों के साथ पूरा दिन अच्छे से निकाल लूँ, और भगवान मुझे नया दिन देने के लिए शुक्रिया, और दोनों इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए शुक्रिया। नहीं, चोट लग जाएगी छोटी बहन को। भैया क्या कह,